नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, पैसा। पैसा आज के समय में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और वो भी लिक्विड कैश। आपके पास बहुत संपत्ति है, जायदाद है, मगर जेब में पैसा नहीं है तो सब बेकार है, क्योंकि आप मार्केट में हैं, कहीं भी है, तो जेब में जो पैसा है वही काम आएगा। बाकी आपके पास कितने भी बैंक बैलेंस हो या कितनी प्रॉपर्टी हो, वो किसी काम की नहीं है। अब पैसा और खुशी, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, क्योंकि ये सब किसके कारक हैं? चंद्रमा के। तो यहां पर चंद्रमा किसका कारक है? मन का, माता का। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे कुंडली के जो 9 प्लेनेट है उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस रखने वाला प्लेनेट है वो है चंद्रमा। अगर चंद्रमा कुंडली में ठीक है तो आपकी कुंडली 100% ठीक है। चंद्रमा खराब है तो सब कुछ होते हुए भी खराब है। अब मान लिया आपके अदर प्लैनेट कुछ अच्छे हैं, मगर चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है। तो आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनका व्यापार बहुत बड़ा होता है मगर मन में खुशी नहीं होती। मैरिड लाइफ के अंदर खुशी नहीं है, चाहे बेशक लाइफ पार्टनर कितना अच्छा क्यों ना है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन आपके आसपास मिल जाते हैं कि सब कुछ होते हुए भी मन परेशान रहता है। क्योंकि मैं डेली जब बहुत सारे लोगों से बात करता हूं तो यहाँ पर 80% लोग ऐसे मिलते हैं जिनका मन किसी न किसी कारण से परेशान रहता है और पैसे की समस्या देखने को मिलती है, या कई बार पैसे की समस्या नहीं भी होती ज्यादा, वो लोग सेटिस्फाई होते हैं, मगर सब कुछ होते हुए भी मन का परेशान होना। तो यहाँ पर मन अगर जीवन में आपका खुश है तो आप हर परिस्थिति में खुश रहेंगे और लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, चाहे कहीं भी रहे। और अगर मन कुछ नहीं है तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी सब कुछ व्यर्थ सा हो जाता है। जब कुंडली के अंदर चंद्रमा कुंडली में पीड़ित होगा तब ऐसे में पैसे की समस्या निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। व्यक्ति को जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आए, मगर अगर व्यक्ति मन से मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति सहजता के साथ उन मुसीबतों का सामना करने में सक्षम होता है। वो परेशान नहीं होता, वो शांत स्वभाव से, शांत दिमाग से उन चीजों को मैनेज करना जानता है, कैसे ठीक करना है, कैसे लोगों से हेल्प लेनी है, कैसे लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करना है, कैसे अपना काम निकलवाना है, इन सारी चीजों में वो एक्सपर्ट होगा। अब मून से क्या क्या देखा जाएगा? मून कुंडली के अंदर खराब होगा तो क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, और उसके लिए कौन सी ऐसी रेमेडी है कि जिसे कोई भी व्यक्ति हमेशा कर सकता है, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको अपने चार्ट पता है या नहीं पता है, मगर अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं या ये समस्याएं आपके साथ चल रही हैं, तो ये रेमेडी आप तत्काल प्रभाव से शुरू कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इसी वजह से आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी जो व्यक्ति मन से मजबूत है वो हर तरह से खुश है, क्योंकि जीवन में आप बहुत बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, तो वो केवल पैसा कमाने के लिए, जिससे आपका मन खुश रह सके, लग्जरी चीजों का आप आनंद उठा सकें। मगर सब कुछ होते हुए भी मन अगर दुखी है, उदास है, पीड़ित है, और कई बार आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या सुसाइड के बारे में सोचते हैं या अक्सर उदास रहते हैं, बेशक गवर्नमेंट जॉब में 1 लाख अधिकारी क्यों ना हो। और ऐसे मैंने देखे हैं, लोग फोन आते हैं डेली, तो मैं उनसे जब बात करता हूं तो बोलता हूं, तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि यस, बेशक चाहे वो एक आईएएस ऑफिसर क्यों ना है मगर मन परेशान है, यार दोस्त में उठता बैठता नहीं है, बाहर कहीं जाता नहीं है, बस अपने काम से मतलब है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो जीवन में खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर जीवन में खुशी नहीं है तो वो जीवन व्यर्थ सा हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे मून को कैसे ठीक रखा जाए, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इसके बारे में, और वो रेमेडी जिसको कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है, ये मैं कहूंगा कि डेली आप लोगों को ये रेमेडी अवश्य ही करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मून अगर कुंडली के अंदर पीड़ित है तो क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं,
उसके बाद कैसे इसको ठीक रखा जाए उसकी बात करेंगे। लेफ्ट आई में इश्यू या कमजोर होना या आंख से पानी बहना या जलन वगैरह होना, ये सारे के सारे बैड मून के सिम्टम्स हैं। अब हमारी जो लेफ्ट आई है वो चंद्रमा की कारक है और राइट सूर्य की, तो यानी कि आपकी लेफ्ट आई में इश्यू है, तो यानी कि मून कुंडली में कहीं ना कहीं खराब कंडीशन में है। मदर के हेल्थ इश्यू लगातार बने रहना या जल्दी डेथ हो जाना, ये भी कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब के लक्षण है। तीसरा, घर की छत से पानी टपकना, छत पे पानी भरना, छत की नाली बंद होना, छत पे किसी प्रकार की खराबी आना भी मून खराब के लक्षण है। घर की नाली जाम होना, ऊपर जो छत पे पानी की टंकी रखी रहती है उसका बहुत ज्यादा गंदा होना, उसका ढक्कन टूट जाना, ढक्कन उड़ जाना, घर में अगर कोई हैंडपंप लगा है उसका सूख जाना, ये सारे के सारे खराब चंद्रमा के लक्षण हैं। ब्लड इंफेक्शन, ब्लड कैंसर, शुगर जैसी बीमारी भी खराब चंद्रमा के कारण ही आती है। दूध का खराब होना, बार बार उबलना, फट जाना, ये भी बैड मून के सिम्टम्स हैं। बहुत प्यास लगना, पानी पीने के बाद भी प्यास ना बुझना, माता से झगड़ना, माता को परेशान करना, माता पे क्रोध आना, खेत में पानी के बिना फसल का खराब होना और पैसे की समस्या यानी कि जेब में पैसा नहीं होना, ये सारे के सारे खराब चंद्रमा के लक्षण हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा की इम्पोर्टेंस आप इसी बात से समझ गए होंगे कि पैसा जो आज के समय में हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि आपके पास अगर डेली इनकम आपकी बहुत अच्छी है, जेब में हर वक्त आपके 30-40-50 हज़ार रुपये हैं, अब जेब में आज के समय में नहीं रहते, आजकल तो मोबाइल में रहते हैं, मगर आप उसका यूज इमिडिएटली कर सकते हैं, तो ये आपका लिक्विड कैश कहलाएगा। तो जिस व्यक्ति के मोबाइल में या जेब में 50,000-1,00,000 रुपये रखे हैं तो वो हमेशा कुछ दिखाई देगा, इंजॉय करेगा, उसको पता है कोई भी समस्या आ गई तो मैं उसको इजिली मैनेज कर लूंगा क्योंकि मेरे पास पैसा है। तो इसलिए मून का कुंडली में ठीक रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब कौन सी ऐसी रेमेडी है जिनको कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में अपना लेता है तो निश्चित तौर पर उसकी कुंडली में चंद्रमा कितना भी खराब क्यों ना हो वो ग्रेजुअली ठीक होना शुरू हो जाएगा और जीवन में धन की समस्या निश्चित तौर पर नहीं आएगी। यह समय कितना भी खराब हो मगर कहीं ना कहीं से धन आता अवश्य रहेगा। तो यहां पर सबसे पहले आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चांदी का सिल्वर का स्क्वायर पीस, साइज कुछ भी हो, 1 इंच बाय 1 इंच का या 2 इंच बाय 2 इंच का या जो भी मर्जी साइज का, बड़े से बड़ा भी रख सकते हैं, वो स्थापित करें और डेली उसको जो है धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा के उसकी पूजा करें, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। दूसरा, चांदी का स्क्वायर पीस एक छोटा सा आप हमेशा अपने पर्स में रखें। अब यहां पर अच्छा यह रहेगा कि चांदी की कोई भी चीज आप लेते हैं तो यहां पर आपकी मदर अगर ये आपको लेके दें तो और भी ज्यादा शुभ परिणाम देगा और सोमवार के दिन गंगा जी से धोके इन चीजों को आपने स्थापित करना है या अपने पर्स में रखना है। दूसरा, चांदी का स्क्वायर पीस अगर आप अपने घर की नींव में, अब जो लोग घर का निर्माण करा रहे हैं वो अपने घर की नींव में कर सकते हैं या जिन लोगों के घर के अंदर लॉन वगैरह है वहां पे थोड़ा सा गहराई से खोद कर वहां भी आप चांदी का एक स्क्वायर पीस दबा सकते हैं। तीसरा, रात को पानी सिरहाने रखकर सोना और नेक्स्ट डे उसको तुलसा जी के पौधे में डालना, ये बड़ी सुंदर और सरल रेमेडी है। इसका ये काम बड़ा इजी है, इसमें आप पानी गिलास में रख के भी सो सकते हैं या आप किसी छोटी सी बॉटल में भी पानी रखकर अपने तकिए के पास सो सकते हैं, नेक्स्ट डे आप इसको तुलसा जी में नहाने के बाद डाल दें। तीसरा, डेली आप अपने घर में एक नियम बना लीजिए कि सुबह के समय जब भी खाना बने तो सबसे पहले रोटी जो है वो एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए निकाल दें। अब ये तीनों के तीनों जो
गाय, कुत्ता और कौवा, ये सारे बाहर के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने घर की गाय को खिलाएं या घर के पलते हुए कुत्ते को खिलाएं, या तो ये जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको रोटी डालनी है, बाहर किसी गाय को दे के आनी है और घर की छत को छोड़कर बाहर कहीं भी कौवों को डालनी है। तीसरा, अपनी माँ से आप चांदी की स्क्वायर शेप डब्बी में चावल डालकर सोमवार के दिन आशीर्वाद के तौर पर लेकर रख लें और जीवन भर इसको माँ का आशीर्वाद समझकर संभाल के रखें। निश्चित तौर पर ये इतनी अच्छी रेमेडी है, ये आपको लाइफ में जल्दी से पैसे की दिक्कत आने नहीं देगी। शादी के समय, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, शादी के समय ससुराल से चांदी की कोई ना कोई चीज, अब अच्छा ये रहेगा कि चांदी की 50 ग्राम की ठोस ईंट लेके रख लें, यानी कि लड़की जो आए उसके जो लड़के के या फादर इन लॉ हैं वो चांदी की एक ठोस ईंट या चांदी का कोई बिस्किट वगैरह वो लड़की को दे दें, और स्क्वायर शेप हो तो और अच्छी बात है, और उसको हमेशा जीवन में संभाल के रखें, कभी उसको खर्च ना करें। इसके अलावा माँ और बुजुर्ग महिलाएं, अपनी मदर और जो भी कोई बुजुर्ग महिलाएं हों उनकी सेवा करें। डेली सुबह उठकर घर में आपकी माँ हैं, दादी हैं, उनके पैर छू के आशीर्वाद लें। आस पड़ोस में या कहीं भी कोई बुजुर्ग महिला है उसकी यथासंभव सेवा करने का प्रयास करें और उनका आशीर्वाद लेना। कि एकमात्र कार्य करने से निश्चित तौर में कुंडली में आपका मून कितना भी खराब क्यों ना हो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति ये काम बचपन से करता आ रहा होगा उसका चंद्रमा कभी खराब होगा ही नहीं, उसके पास पैसा कहीं ना कहीं से आता रहेगा, आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही चांदनी रात, अब चांदनी रात जब आती है ऐसे में चांदनी रात में आप, अच्छा ही रहेगा ये रेमेडी आप बृहस्पतिवार को कर लें। बृहस्पतिवार को आप खीर बनाकर चांदनी रात में रात को बाहर ढककर या कहीं टांग दें, उस चंद्रमा की किरणें उस खीर में पड़ेंगी और उस खीर का शुक्रवार को सुबह नहा धो के पूजा करने के पश्चात जब आप ब्रेकफास्ट करें तो सबसे पहले आधा कटोरी, एक कटोरी खीर आप खाएं, और आधा कटोरी खीर जो है वो पक्षियों के लिए भी निकाल दें, किसी दोने में पक्षियों के लिए रख दें। ये काम इतने सरल है, आप करके देखिए, 101% आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और पैसे के लिए ये रेमेडी ऐसी कॉमन रेमेडी है जिसके रिजल्ट 100% देखे गए हैं। तो निश्चित तौर पर पैसे की समस्या कैसी भी चल रही हो ये रेमेडी सबको अवश्य कर लेनी चाहिए। अदरवाइज स्पेसिफिक रेमेडी पे जाना हो तो उसके लिए फिर अपने चार्ट को, क्योंकि यहां पर आपको एक चीज बताई गई है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या थोड़ा सा लगातार वीडियोस देखते हैं उनको, आपको एक बात समझ में आती होगी कि जितने भी प्लैनेट हैं उनको ठीक रखने के लिए कहीं ना कहीं चंद्रमा की रेमेडी एडवाइस की जाती है। जैसे मंगल कुंडली में खराब होता है तो सिल्वर का स्क्वायर पीस, अब शनि कुंडली में खराब है सपोज कीजिए एर्थ हाउस में है तो यहां पर कच्चे दूध पानी में डालकर स्नान करें तो शनि के बैड इफेक्ट जो है वो कंट्रोल में आएंगे। तो इसी तरह राहु कुंडली में खराब है तो राहु क्या है, बुद्धि को भ्रमित कर देगा। तो यहां पर गले में चांदी की चेन पहनना, वो डिपेंड करता है कि वहां पे और भी अदर प्लैनेट तो नहीं है। इसके अलावा कच्चा दूध डाल के पानी में स्नान करते रहना भी अपने आप में एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रेमेडी है, इसे भी आप कर सकते हैं। तो चंद्रमा कुंडली में इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है कि वो अदर प्लैनेट को ठीक रखने की ये उसकी रेमेडी का किया जाता है। तो यहां पर चंद्रमा अगर कुंडली में स्ट्रोंग रहेगा तो बाकी अदर प्लैनेट भी कुंडली में कंट्रोल रहेंगे, मंगल कंट्रोल रहेगा, राहु कंट्रोल रहेगा, सभी कंट्रोल में रहेंगे। चंद्रमा कमजोर हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा क्या मन का कारक, मन कमजोर हो गया तो जातक जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो आपने आज इस वीडियो के अंदर चंद्रमा को कैसे स्ट्रोंग रखा जाए उसको समझना है और ये चीजें अपने नियमित रूप से जीवन में अपना लेनी है।
और करके देखिए, आपको 2-4 महीने के अंदर ही इसके बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।